क्या महाराष्ट्र में बन गई बात? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना का ही होगा मुख्यमंत्री? क्या है 14-14-12 का फॉर्मूला? क्या शिवसेना को बतौर मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल मिलेगा? क्या कांग्रेस एनसीपी के खाते में आएगा उप मुख्यमंत्री का पद? क्या है महाराष्ट्र में सरकार बनाने का समीकरण? बीजेपी ने क्यों लगाया जय श्री राम बन गया काम का नारा? महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद जो सरकार बनाने की मशक्कत देखने को मिली है, ऐसा नहीं है कि ये सियासत का पहला किस्सा है। ऐसे बहुत से किस्से हैं सियासत में जो सरकार बनाने के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति को बड़ी बारीकी से बयां करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर फोकस सिर्फ महाराष्ट्र पर किया जाए तो ऐसे कई सवाल जहन में उठते हैं कि आखिर महाराष्ट्र का हो गया क्या। ऐसे में जो जवाब सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक शिवसेना कांग्रेस एनसीपी तीनों दलों के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कि CMP को लेकर सहमति बन गई है। लंबी कवायद के बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के बीच सरकार बनाने को लेकर समझौता हो गया है। समझौते के तहत शिवसेना को पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद मिलेगा। कांग्रेस और एनसीपी के खाते में एक एक उप मुख्यमंत्री पद आएगा, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 14 और कांग्रेस को 12 मंत्री पद मिलेंगे। खुद शिवसेना के खाते में भी मुख्यमंत्री पद के अलावा 14 मंत्री पद भी आएंगे। गुरुवार को तीनों पार्टियां एक मंच पर आई और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगभग तैयार है। लेकिन अगर असल तस्वीर की तरफ गौर किया जाए तो सरकार बनाने की राह इतनी आसान नहीं है। समझौते में शिवसेना ने विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस एनसीपी मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि इन दोनों मुद्दों पर विवाद बना हुआ है। हालांकि तीनों दलों के बीच हुए समझौते में हिंदुत्व का मुद्दा शामिल नहीं किया गया है। सीएमपी पर किसानों और युवाओं से जुड़े मामलों पर फोकस करने पर भी सहमति बनी है। महाराष्ट्र में भले ही राष्ट्रपति शासन लग गया हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश का दौर बीजेपी में भी कम नहीं है। कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की बैठक के बाद गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के बाद जब भाजपा नेता आशीष शेलार बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि जय श्री राम हो गया काम। भाजपा कोर कमेटी की इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन समेत पार्टी के कई नेता शामिल रहे। अधिकतर नेता बैठक खत्म होने के बाद खुश नजर आए, लेकिन आशीष शेलार के बयान ने सुर्खियां बटोर ली। ऐसे में आशीष शेलार के इस बयान से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा को जिस जादुई नंबर की जरूरत थी वो मिल गया है? क्या भाजपा सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है? खैर, इन सवालों के जवाब के लिए भी थोड़ा इंतजार महाराष्ट्र के साथ साथ हम और आपको भी करना पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।